Hey, what's up guys, this is Shivadeep and you're watching The Cruise Life. So welcome to The Cruise Life family. ये जो आप देख पा रहे हो, आप सोच सकते हो ये मैं कहाँ पे बैठा हूँ. बेसिकली ये जो आप देख पा रहे हो ये फुल हेलमेट्स वगैरह फिर जैकेट्स वगैरह सब पीछे जो लगा हुआ है ये आपका भाई का एक नया स्टोर है. भाई अपने नया एक स्टोर खोल लिया है अपने शहर में, अपने कुचबिहार शहर में. सो द नेम ऑफ द स्टोर इज़ द क्रूज लाइफ स्टोर. बट मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये स्टोर के बारे में मैं एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा. बट एज ऑफ टुडे आई एम गोना कवर अप ए न्यू हेलमेट जो आपके भाई ने खुद खरीदा है अपने लिए. एंड द हेलमेट इज वन ऑफ द मास्टरपीस फ्रॉम LS2. यस, आई हैव अपग्रेडेड फ्रॉम MT टू LS2 एंड लेट मी शो यू. तो बेसिकली दिस इज़ द हेलमेट एज यू कैन सी. एंड इसका बॉक्स जो है, मैं बॉक्स आपको नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज बाई मिस्टेक LS2 का FF320 या दूसरा कुछ मॉडल का बॉक्स मेरे पास आ गया था. So there's no point of showing that, but let me show you to the helmet. So yes, it's finally time to unpack on the countdown of 3, 2, 1. Bhai saab, look at this sexy graphics out here. Look at the detailing and look at the design, man. LS2 has taken this helmet to another level and ये मेरा personal favorite था. मैं बहुत दिन से इसको choice करके रखा था but मेरे को नहीं मिला था. But finally I got this helmet and finally got this helmet in my hand and yes, it's time to show you each and every details about this helmet. So let's start with the design. उसके पहले मैं दिखा देता हूँ आपको पहले एक चीज़ कि मेरा पहला वाला जो helmet, if you guys don't know, ये मेरा पहला वाला helmet था MT Thunder 3 SV. ये helmet को मैं LS2 से अपडेट क्यों किया, इसका दो तीन रीज़न है, वो मैं आपको बताऊँगा. सो पहले ये था MT Thunder 3 SV, तो इसको मैं हो गया लगभग 2 साल मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ. तो फाइनली इट्स टाइम टू अपग्रेड टू अ न्यू मॉडल विच इज़ LS2 FF 800. So this is the name of the model is LS2 FF 800. The size is XL. तो मेरे को लगता है obviously. तो एक एक करके दिखाते हैं. पहले outer body design में आता है. Look at this sexy graphics, man. Ain't that wonderful? ये full red, white and black accent में आता है. इसका दूसरा models भी है दूसरा color में if you want. तो पहले इसका साइड में आता है. तो एज यू कैन सी हियर इज द LS2 ब्रांडिंग इन रेड एंड वाइट एक्सेंट व्हिच लुक्स डैम सेक्सी. तो इस साइड में भी सेम है, इट्स सेम ऑन द लेफ्ट एंड राइट. सामने यहाँ पे LS2 का ब्रांडिंग दिया हुआ है. एंड पीछे आते हैं तो यहाँ पे देखते हो LS2 स्टॉर्म लिखा है. सो दिस मॉडल इज़ बेसिकली LS2 FF 800 स्टॉर्म. एंड यू कैन सी इट्स ECE सर्टिफाइड, द बेस्ट सर्टिफिकेशन इन वर्ल्ड, यूरोपियन सर्टिफिकेशन ऑब्वियसली. सो इसका साइज़ है XL विद 61 to 62 सेंटीमीटर विच इज़ द नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ 1. एंड द वेट इज़ 1530 प्लस माइनस 50 ग्राम. सो 1550 के आसपास इसका वेट आता है. सबसे बढ़िया जो लगा मेरे को इस हेलमेट के बारे में है इसका डिज़ाइन. इसका ग्राफिक्स मेरे को, मतलब देखो मेरा पर्सनल फेवरेट है रेड वाइट एक्सेंट. सो उस हिसाब में मेरे को इतना एक फैमिलियर चॉइस वाला हेलमेट मिल गया, यही मेरे लिए काफ़ी है. तो आगे अभी आते हैं सामने, ठीक है. तो ये जो देख पा रहे हो ये है आपका एयर वेंटिलेशन वेंट, ठीक है. यहाँ से हवा घुसता है, नीचे कर देते हो तो बंद हो जाता है, अगर ऊपर कर देते हो तो ये खुल जाता है, ठीक है. सो यहाँ पे भी और एक है, ये ओपन एंड क्लोज, ठीक है. एंड पीछे से आपका एग्जॉस्ट वेंट है, तो यहाँ से निकलता है, सामने से हवा घुसता है, फुल वेंटिलेट होता है हेलमेट के अंदर, उसके बाद यहाँ से निकलता है. सो अगर आप गर्मी में भी चला रहे हो तो इसका वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा है अंदर से पूरा हवा पास होने में. अभी आते हैं आपका इसका वाइजर में, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हेलमेट. ये फुल्ली कवर्ड है, दिस इज़ द वाइजर कवर. यहाँ पे LS2 हेलमेट्स लिखा हुआ है अलॉन्ग विद द QR कोड टू डाउनलोड द मैनुअल. देन समथिंग सम रिटन अप हियर. देन हियर आर ऑल द साइजेस. सो ये जो हेलमेट है ये हेलमेट आपको XXL, XXX स्मॉल से लेके XXXL तक मिल जाता है, ठीक है. सो देर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑप्शन. बेसिकली आई हैव चूजन XL फॉर मी. देन कम्स द मेन पार्ट ऑफ दिस वाइजर. ये जो वाइजर है ये रेडी फॉर पिन लॉक है, मतलब ये फुल वाइजर एंटी फॉग है. आपको एक अलग से पिन लॉक वाइजर इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है जो बाकी हेलमेट्स में आता है. दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस हेलमेट. ऐसे खुल जाता है यहाँ पे. एंड एज यू कैन सी देर इज़ ऑल्सो अ सन वाइजर इंस्टॉल्ड अप हियर. देर इज़ द सन वाइजर यहाँ पे भी एक ऊपर से स्टिकर दिया हुआ है. सो बेसिकली ये जो सन वाइजर है ये ऑलमोस्ट, मतलब 90% आपका ये जो ओपन स्पेस है ये कवर करता है. सो
you can understand how much you are gonna get relieved from the sun and also from the heat up there in the road. So ye jo yahan pe switch hai, ye switch se aapka sun visor band hota hai as you can see, and ye switch se agar pull karoge to ye khul jayega. So yes, this is the final look of this helmet. मतलब मेरे को जो मेरे लिए ये आइडियल है, बिकॉज मेरे को चाहिए था ब्लैक रेड कलर में विद सन वाइजर एंड पिन लॉक वाइजर. एंड यस, ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जो है ये लॉक है, ये डबल डेरिंग लॉक नहीं है, ये फुल मेटल से बना हुआ है, हार्ड मेटल से बना हुआ है. नॉर्मल जो लॉक आता है, लॉक सिस्टम आता है, वही ऐसे लगा देते हो, ऐसे पुल करने से ये खुल जाता है. इसका जो पैडिंग है, ये पैडिंग में लिखा है एक्स्ट्रा कम्फर्ट ब्रीदेबल हाइपो एलर्जेनिक फैब्रिक से बना हुआ है ये आपका पैडिंग. इसका जो पैडिंग देख पा रहे हो, ये बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है. ये सॉफ्ट पैडिंग के कारण आपके राइड में बहुत कंफर्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, आपको उतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा. बट इफ़ यू आर वेयरिंग अ हैवी पैडेड हेलमेट एज कम्पेयर टू दिस वन, इसमें आपको कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा. एंड पीछे भी इसका यहाँ पे थोड़ा एक अलग सा डिज़ाइन दिया हुआ है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इसका रीज़न क्या है, बट आई थिंक ये थोड़ा एक्सटेंडेड है. आई थिंक दिस इज़ फॉर द बैक सपोर्ट आई गेस, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. ये जो है ये रिफ्लेक्टर्स लगा हुआ है पीछे, ये वाला जो है ये पोर्शन, यहाँ पे आपका इंटरकॉम का जो स्पीकर है, स्पीकर भी लगा पाओगे, ठीक है. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रीमियम हेलमेट्स, कि यहाँ पे आपका इंटरकॉम का इंटरकॉम के स्पीकर के लिए पॉकेट्स दिया हुआ रहता है. दिस इज़ अ नॉर्मल मैनुअल LS2 ऑलवेज अहेड लिखा हुआ है, एंड द सिमिलर QR कोड. एक ये माइक्रोबियल कंट्रोल टेक्नोलॉजी परमानेंट टू वॉशिंग, सो यस यस यस, ये फुल्ली रिमूवेबल है, ये फुल्ली वॉशेबल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगा, शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा. फिर लिखा है क्विक एंड ईजी टू वेरीफाई, सेफ फॉर ह्यूमन्स एंड द एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी, नो माइग्रेशन टू द स्किन और द एनवायरनमेंट. मतलब ये स्किन में कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, इरीटेशन कुछ नहीं आएगा, इसका मटेरियल ऐसे टाइप का ही बना हुआ है, ठीक है. अभी आपको बताते हैं कि इसका मैं MT के साथ अपग्रेड क्यों किया, मतलब MT से ये LS2 में अपग्रेड क्यों किया. ये भी मेरे लिए बहुत ही एक आइडियल हेलमेट था, मैं बहुत दिन से इसको यूज़ किया, मतलब लाइक मोर देन 2 ईयर्स आई हैव यूज्ड इट. बट अभी एक्सचेंज में क्यों किया, बिकॉज व्हेन आई एम गोइंग आउट, आप लोग को पता है मैं व्लॉगिंग करता हूँ, तो व्लॉगिंग में ये यहाँ पे GoPro लगता है, फिर यहाँ पे इंटरकॉम लगता है, तो ये सब मिला के ना इसका वेट अराउंड 2 kgs हो जाता है, ठीक है. तो लॉन्ग राइड में बहुत दिक्कत आ जाता है. एंड इसका जो पैडिंग है, पैडिंग सॉफ्ट है, ठीक है, पैडिंग सॉफ्ट है, नो डाउट सॉफ्ट है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. सो मेरे लिए ऐसा होता है कि मेरे लिए बहुत, मतलब बहुत हार्ड लगता है. एंड अगर मैं इसको हेलमेट को पहनता है, मैं अंदर बालाक्लावा या कुछ टाइप का हेड कैप कुछ नहीं पहन पाता, ठीक है. सो इतना टाइट लगता है मेरे को. तो मेरा चल जाता था, मैं बहुत सारा लॉन्ग राइड किया ये हेलमेट के साथ, बट इट्स फाइनली टाइम टू अपग्रेड. इसका प्राइस मैंने से लिया था 6,600 rupees, बट द मेन डिसएडवांटेज क्या था कि इसमें पिन लॉक रेडीली अवेलेबल नहीं था, एक अलग से मेरे को खरीदना पड़ा, बट आई हैवंट यूज्ड इट, वो मेरे घर पे ही पड़ा है. सो इसमें और एक भी है कि पता नहीं ये पिन लॉक की जगह पे ये जो स्क्रू है दिखाई दे पा रहा है नहीं, यहाँ पे टूट गया, क्रैक आ गया. तो आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दैट, बट उसको छोड़ के ये हेलमेट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था, बट ड्यू टू दिस रीजंस आई हैव टू अपग्रेड इट. ओके, तो अभी मेन मुद्दे पे आता है, इसका प्राइसिंग. इसका प्राइसिंग है 9,500 INR फॉर दिस मॉडल LS2 FF 800 Storm. इस हेलमेट का सेटअप बोले तो GoPro लगाना एंड इंटरकॉम लगाना. तो मेरे पास ऑलरेडी GoPro का ये उलानजी का केस है, अभी GoPro से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है. एंड दिस इज़ द इंटरकॉम विच आई हैव बीन यूजिंग फॉर अ ईयर और सो. ये है आपका VNet Phone V6. दिस इंटरकॉम इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट द क्रूज लाइफ स्टोर, VNet Phone V6. सो ये अगर आपको चाहिए होगा, देन यू कैन ऑर्डर अप बाई कॉलिंग अप द नंबर गिवन इन द स्क्रीन बिलो एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो ये मैं लगाने वाला हूँ एंड GoPro लगाने वाला हूँ. ये रहा ये इसका स्पीकर्स, एंड दिस इज़ द माइक फ्रॉम विच यू कैन कॉल थ्रू द इंटरकॉम एंड टॉक विद द अदर गाइस. एंड ये जो है, ये जो माइक से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है GoPro का माइक. सो टोटल सेटअप इसके अंदर आएगा. एक बार मैं सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मैं बात करता हूँ, ठीक है. तो पहले इसको खोलने का मैं दिखा देता हूँ, ठीक है. तो इसको खोलना बहुत ही ईजी है, ये जो पैडिंग देख पा रहा हूँ, इसको नॉर्मली आपको पुल करना है ऐसे, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो है ना बोल्ट्स टाइप का बोल्ट्स नहीं, यहाँ पे बैठ जाता है वो जगह, ठीक है. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये नॉर्मली आपको इसको पुल करना है एंड ऐसे खुल गया, ठीक है. तो सिमिलरली पूरा हेलमेट ऐसे खोल रहे हो, ये आपका लेफ्ट वाला पैडिंग खुल गया, सिमिलरली आपको राइट वाला खोलना पड़ेगा.
ये देखो ये पैडिंग कितना सॉफ्ट है। दिस इज द इनर पोर्शन। अभी पीछे वाला पैडिंग भी खोल देता हूँ, ये भी खुल गया। तो ये जो इंटरकॉम लगाने का जो बारी है, तो एज यू कैन सी ये जो आपका स्ट्रैप मिलता है, ये मैं पहला वाला हेलमेट में लगा हुआ था, इसको खोल दिया मैं। तो ये जो सर्कल पोर्शन है यहाँ पे ये बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसे इजीली इसको इस साइड में कर देता हूँ, इजीली लेके ये बैठ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तब ये जो बारी है, अभी इसका बारी है, तो ये बेसिकली लगेगा ऐसे, एक ऐसे यहाँ पे लग गया, एक सेकंड, एक ऐसे यहाँ पे लग गया, ठीक है। एक दूसरा वाला जो लगेगा, दूसरा वाला लगेगा ऑपोजिट साइड में, बस बैठ गया। ऐसे लग गया, बस ये जो रहेगा ये ऐसे टाइप पे रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर से पूरा पैडिंग आएगा, एंड ये जो है ये ऊपर से लेके मेरा इस साइड में आ जाएगा, यहाँ पे लगेगा। तो मैं इसका फुल सेटअप कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे सेलो टेप से लगा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दिस इज योर V-Net फोन V6। ये 6 राइडर्स कॉम्पेटिबल है एज यू कैन सी, एंड पीछे क्लैम्प दिया हुआ है। सो मेरा जो ये LS2 का हेलमेट है, इसके अंदर ये डलने वाला है। सो मैं ऑलरेडी इसको यहाँ पे लगा दिया हूँ, एज यू कैन सी द स्पीकर्स आउट हियर। इसका आउटपुट आएगा ये जैक्स है, जो कि यहाँ पे होगा, ठीक है। सो ये जो V6 इंटरकॉम है, ये यहाँ पे सेट होगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे सेट करना पड़ता है। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये स्टॉक में नहीं आएगा ये वाला क्लैम्प, पहले एक प्लास्टिक का क्लैम्प आएगा। मैं इसको लगभग एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये प्लास्टिक का क्लैम्प जो है ये टूट गया था। सो मैं एक दूसरा ये लोहे का मेटल का क्लैम्प मंगवाया, एंड दिस वन लुक्स लाइक दिस। तो यहाँ पे दो स्क्रूज दिया हुआ रहता है, एंड ऑल्सो यू विल गेट दिस एलन की, जिससे आप इसको टाइट एंड लूज कर सकते हो। तो सो बेसिकली इसको यहाँ पे इस तरह से ये घुस जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ऑल राइट, तो मेरा इंटरकॉम अभी सेटअप हो गया। एज यू कैन सी इसको इस जगह पे लगा दिया मैंने, एंड यहाँ पे जब थोड़ा मतलब गैप क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इसका हेलमेट का शेल ही ऐसा टाइप का है, बट नो प्रॉब्लम विद दैट। यहाँ पे लग गया, एज यू कैन सी ये बहुत ही टाइट है, ये फुल टाइट से लगा हुआ है। इसका फाइनल रिजल्ट ऐसे दिखने में होता है, ठीक है। ऑल राइट, सो द सेटअप इज़ कम्प्लीट। एज यू कैन सी मैं यहाँ पे एक सेलो टेप लगाया, ताकि ये फिक्स्ड है यहाँ पे इस जगह पे, एंड यहाँ पे और एक सेलो टेप लगाया एज यू कैन सी, तो ये फिक्स रहेगा, ये खिलेगा नहीं अंदर। एंड दिस इज़ द माइक, ये वाला खो गया है मेरा, एक दूसरा कर्टन पैड लगाना पड़ेगा मेरे को, एंड दिस विल स्टे लाइक दिस। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। सो अभी GoPro लगाने के बारी है, तो ये फुल सेटअप लगेगा, इसके बाद से फ़ोन से रिकॉर्डिंग करूँगा मैं। तो बेसिकली ये जो माइक है, ये माइक भी हेलमेट के अंदर लगेगा अलॉन्ग विद द GoPro, एंड ये जो हेलमेट के अंदर मैं GoPro लगाने वाला हूँ, ये मैं नॉर्मल MCL या कुछ गम का यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली 9,500 का हेलमेट है, थोड़ा तो लगेगा अंदर। सो एनीवेज मैं टेलीसिन का ये माउंट यूज़ कर रहा हूँ, ये अराउंड 1350 या 1400 है, मेरे को एग्जैक्ट प्राइस मालूम नहीं है। ये प्रीमियम वाला माउंट है एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर टेलीसिन माउंट्स, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ग्रिप्स अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट वन। सो बोथ ऑफ दिस, टू योर इन्फॉर्मेशन, बोथ ऑफ दिस माउंट्स आर अवेलेबल एट दिस स्टोर, बोथ आर ग्रेट, बट दिस वन इज़ मच मोर स्टर्डियर। बस वही है, आप दोनों यूज़ कर सकते हो। मेरे यहाँ पे ये वाला ज़्यादा बिकता है, बिकॉज दिस वन इज़ मच मोर पॉकेट फ्रेंडली एंड ऑल्सो क्वाइट स्टर्डी। तो इसको अभी खोलते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही हैवी एंड रिजिड, एज यू कैन सी। ये पीछे में आप देख सकते हो, ये ऑरेंज कलर का एक फुल्ली रबराइज मटेरियल दिया हुआ है, ताकि ये जो आपके हेलमेट पे लगेगा, ये फुल्ली रिजिडनेस बना के रखेगा। दिस वन यू कैन सी, दिस वन इज़ फुल्ली मूवेबल, मतलब आप अगर हेलमेट में लगाओगे, आपका हेलमेट का शेप जो भी हो, इससे आपका काम बन जाएगा। एंड दिस आर द स्ट्रैप्स, बेसिकली ये आपका स्ट्रैप है, तो ये ऐसे लगेगा, ऐसे खुलेगा, हेलमेट के अंदर लगेगा, एंड ये यहाँ से घुस के विद द स्ट्रैप इट विल गेट फिक्स्ड अप हियर। सो दिस इज एज इजी टू इंस्टॉल, एंड द रेडिश एक्सेंट मैचेस माय हेलमेट, दैट्स द बेस्ट पार्ट। यहाँ पे टेलीसिन ब्रांडिंग जो है, एंड दिस वन इज फिक्स्ड, दिस माउंट इज फिक्स्ड, यू डोंट हैव टू कैरी एन एक्स्ट्रा जे माउंट फॉर माउंटिंग योर GoPro इन योर हेलमेट। सो इसको अभी सेटअप करते हैं, सेटअप करके आपसे मिलते हैं। ऑल्सो यू गेट दिस स्क्रू,
हाउ गुड इज दिस। ओके तो ये वाला मेरे को खोलना पड़ा बिकॉज इससे लग नहीं रहा था, द स्ट्रैप वॉज टू स्मॉल फॉर दैट लग रहा था, बट ये जब मैं लगा रहा था ना ये यहाँ पे बेंड हो जा रहा था, तो बेंड होने के कारण मैं हेलमेट जब पहनता हूँ तब मेरे नाक में लग जा रहा था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सेटअप यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। वेट, ये रहा यहाँ पे ऐसा सेटअप बन गया। तो अभी मेन मुद्दा है अभी इसको लगाना, मतलब ये जो माइक है माइक को लगाना। तो ये जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली एक नॉर्मल माइक है, 200 या 300 रुपीस का माइक है, लेपल माइक जिसको बोलते हैं। आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपका, कोई एक्स्ट्रा फैंसी नहीं है। आप फैंसी में अगर फैंसी अगर आप लोग को चाहिए आप बोया का यूज़ कर सकते हो, बट मेरा इससे सब काम चल जाता है। मेरा हर राइड का वीडियो, हर राइड का नॉइज़ इससे ही आता है, ठीक है। एक नॉर्मल लेपल माइक है एंड इसको लगाने के लिए ये वाला चाहिए, बिकॉज़ GoPro का तो आपको पता ही है डायरेक्टली लगेगा नहीं, अडाप्टर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो बेसिकली ये रोड का एक अडाप्टर है, इसका प्राइस अराउंड 1100 या 1200 लिया था मेरे से, मैं पता नहीं, मैं दिल्ली से लिया था ये। तो ये लगाने के बाद ये आपका GoPro का अडाप्टर में लगेगा। तो चलो इसको सेटअप करते हैं फाइनली। चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये जो माइक है इस माइक को आप डायरेक्टली सामने आपके मुँह के सामने फिटिंग नहीं करना, ठीक है। थोड़ा साइड में जहाँ पे आपका पैडिंग एंड होता है उस साइड में आपको सेटिंग करना है, बिकॉज जब आप डायरेक्टली करोगे तो बहुत डिस्टॉर्शन आएगा आपके वीडियो में एज कम्पेयर टू द वन इन साइड, एंड साइड में आपका क्लियर वॉइस आएगा, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न थोड़ा साइड करके लगाना जहाँ पे आपका पैडिंग ख़त्म होता है उस जगह पे। तो भाई साहब ये रहा देसी जुगाड़, अंदर पूरा वायर से भरा हुआ है एंड एज यू कैन सी ये मैं पूरा सेलो टेप से लगाया हर जगह पे, एंड ये जब निकलेगा ये निकलेगा आपके लेफ्ट साइड से, यहाँ से मेरा तार निकल रहा है इसका 3.5 mm जो पोर्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके लगेगा एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट एज यू कैन सी। तो अभी इसके ऊपर पैडिंग चलाते हैं, पैडिंग चला के आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं, ठीक है। गाइस हो गया मेरा फुल सेटअप कंप्लीट एज यू कैन सी। ये रहा हेलमेट, ये रहा GoPro, ये रहा आपका इंटरकॉम। सो बेसिकली आपको दिखा देता है, यहाँ से मेरा निकला अंदर से इंटरकॉम का केबल, यहाँ पे लग गया कंप्लीट। एंड ये वाला जो है मेरा माइक, ये रहा यहाँ पे माइक, एंड ये माइक का जो केबल है यहाँ से निकला अंदर से, निकल के यहाँ पे गया, एक राउंड हुआ, राउंड होने के बाद रोड के माइक से लग गया। फुल्ली राइडिंग सेटअप मेरा कंप्लीट, एज यू कैन सी इट लुक्स डैम सेक्सी मैन, नाउ इट लुक्स डैम सेक्सी आउट हियर। तो इसका भी पहनते हैं, इसको पहन के दिखाते हैं आप लोग को। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो दिस इज द फाइनल सेटअप एज यू कैन सी, लेट मी शो यू फ्रॉम हियर। दिस इज हाउ द हेलमेट इज लुकिंग एंड आई गेस इट लुक्स क्वाइट फाइन राइट। सो एनी वेज गाइज, सो ये रहा मेरा स्टोर, एक शॉर्ट वीडियो ब्रीफ दिखा देता हूँ आप लोग को। सो एनी थिंग यू नीड, द टेरेसिन माउंट, बहुत कुछ है, बहुत कुछ मैं फुल एक दूसरा वीडियो में कवर करूँगा। तो अगर कुछ भी चाहिए होगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में फॉर माई इंस्टाग्राम पेज, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम, एंड मेरा वेबसाइट भी बहुत जल्दी आ रहा है। तो एनी टाइप ऑफ हेलमेट्स, एक्सोर हेलमेट्स, SMK हेलमेट्स, वेगा स्टर्ज एंड ऑल, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिलीवर्ड ऑल ओवर इंडिया। सो येस, अगर आप लोगों को कुछ चाहिए होगा देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, और ऑल्सो यू कैन इंस्टाग्राम DM मी, और ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप और कॉल मी इन द नंबर गिवन बिलो। सो येस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप द हेलमेट वॉज ऑसम, आई हैव लव्ड इट आई गेस। अगर आप लोग को अच्छा लगे देन ऑल्सो डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। विदाउट सेड दिस, वादी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द क्रूज लाइफ, कीप वॉचिंग, राइड हार्ड, राइड सेफ।